ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के आज के लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं इनकैप्सुलेशन क्या होता है। इनकैप्सुलेशन का मतलब है कि डाटा को रैप कर देना किसी एक यूनिट के अंदर, किसी एक जगह के अंदर डाटा को इकट्ठा कर देना। इनकैप्सुलेशन बेसिकली कैप्सूल से निकला है। कैप्सूल जो कीवर्ड हमारे पास होता है, बेसिकली उसमें डिफरेंट मेडिसन्स को हमारे पास एक यूनिट के अंदर, एक सिलेंडर जैसे आप कैप्सूल बोलते हैं उसके अंदर इकट्ठा किया जाता है। तो बेसिकली इनकैप्सुलेशन भी हमारे पास ऐसी है। इनकैप्सुलेशन के अंदर हम एक सिंगल क्लास के अंदर हम फंक्शंस को भी वहाँ पर ही हैंडल कर रहे होते हैं, वहाँ पर हम डाटा मेंबर्स को भी हैंडल कर रहे होते हैं और डिफरेंट थिंग्स को एक क्लास के अंदर हम हैंडल कर रहे होते हैं, वहाँ पर हम कंस्ट्रक्टर्स को भी ले रहे होते हैं। तो बिल्कुल कैप्सूल की तरह, मतलब डिफरेंट मेडिसन्स को हम एक यूनिट के अंदर, एक क्लास के अंदर जब हम मर्ज कर देते हैं तो उसको हम इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। तो इनकैप्सुलेशन हम कैसे अचीव कर सकते हैं? इनकैप्सुलेशन हम अचीव कर सकते हैं हम डाटा को असेस स्पेसिफायर्स के थ्रू। असेस स्पेसिफायर्स के थ्रू कैसे? कि हम डाटा को पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड का कीवर्ड यूज़ करके हम डाटा को सिक्योर बना सकते हैं। अगर डाटा प्रोटेक्टेड होगा तो उसकी सिर्फ चाइल्ड क्लासेज यूज़ तक एक्सेस कर पाएंगी, मेन में हम उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अगर प्राइवेट होगा तो विद इन द क्लास वो यूज़ हो पाएगा, विदाउट मतलब क्लास से बाहर हमारे पास वो डाटा नहीं यूज़ हो पाएगा। तो इस तरीके से हम प्रोग्रामिंग के अंदर डाटा को हाइड करने के लिए बेसिकली हम इनकैप्सुलेशन का यूज़ करते हैं, या फिर फंक्शंस को हम प्राइवेट कर देते हैं जिसके थ्रू हमारे पास डाटा जो है वो हाइड हो जाता है। जो डाटा हम यूज़र को एक्सेस जिस तक देना चाहते हैं वो हम दे देते हैं, लेकिन जिस डाटा को हम सिक्योर करना चाहते हैं उसको हम सिक्योर भी रख सकते हैं। तो बेसिकली इसकी एक और एग्जांपल भी जैसे रियल लाइफ से हम ले सकते हैं, जैसे कि हमारे पास एक स्कूल बैग हो सकता है, उसके अंदर हमारे पास बुक्स हो सकती हैं, कॉपीज़ हो सकती हैं, उसके अंदर हमारे पास पेन्स हो सकते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स हमारे पास हो जाती हैं एक जगह के अंदर, वो इकट्ठी हो जाती है कैप्सूल के अंदर। तो इसको इनकैप्सुलेशन हम बोलते हैं। तो चलें इसको एक कोड की हेल्प से समझ लेते हैं कि इनकैप्सुलेशन हम कैसे अचीव करते हैं। तो यहाँ पर इसको कोड की हेल्प से समझ लेते हैं। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस। इसके बाद यहाँ पर हम एक क्लास बनाएंगे जिसमें हम इनकैप्सुलेशन का यूज़ करेंगे। एसटीडी कोई नई चीज़ नहीं है, ये हम पहले भी कवरअप कर चुके हैं सारी चीज़ों को, हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को देख चुके हैं, ये तो बिल्कुल एंड फेज हमारा चल रहा है। तो यहाँ पर क्लास एक बना लेते हैं, क्लास और क्लास का नाम रख लेते हैं, लेट्स सपोज सम रख लेते हैं। और क्लास के अंदर यहाँ पर हमारे पास कुछ डाटा होगा, इंट में हमारे पास ए ले लेते हैं, उसको बी रख लेते हैं और सेकेंड को लास्ट को हम सम रख लेते हैं। तीनों ही इंटीजर टाइप के होंगे। और जब डाटा को, आपको याद होगा कि यहाँ पर जब भी हम डाटा के ऊपर कोई स्पेसिफाई नहीं करते, मतलब कोई असेस स्पेसिफायर्स नहीं यहाँ पर लगाते, तो उसका मतलब यही कि बाय डिफ़ॉल्ट वो डाटा प्राइवेट ही होगा। तो ये हमारे पास जो भी डाटा आ चुका है ये प्राइवेट है। अब यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाऊँगा जिसके थ्रू इसको मैं एक्सेस करूँगा। तो सी आउट उसका नाम कोई वॉइड, उसका नाम हम इसके नाम पर तो नहीं रख सकते, ऐड उसको हम नाम दे देते हैं। और यहाँ पर ये कोई पैरामीटर्स नहीं लेगा। और यहाँ पर सी आउट सबसे पहले ये मैसेज करेगा कि आप कोई भी दो नंबर एंटर करें, सी आउट एंटर टू नंबर। तो यहाँ पर बेसिकली आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्टर भी बना सकता था। तो बेसिकली डाटा को इनकैप्सूल करना, इनकैप्सुलेशन का यही मतलब है कि डाटा को एक यूनिट के अंदर हमें किस तरीके से हम इकट्ठा करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कुछ प्राइवेट डाटा भी है और कुछ डाटा है हमारे पास डाटा मेम्बर्स, और कुछ हमारे पास यहाँ पर यूज़र डिफाइन फंक्शन भी है सी इन। और सी इन हम इसको कर लेते हैं ए के अंदर और बी के अंदर इसको कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर सम को हम इक्वल कर देते हैं, सम इज़ इक्वल टू ए प्लस बी। तो यहाँ पर ये जो प्राइवेट डाटा होगा, अगर इसको आउटसाइड द क्लास हम एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद सम को भी सी आउट हमने करवाना है, तो सी आउट यहाँ से करवा लेते हैं, सम इज़ इक्वल टू यहाँ पर सम को हम डिस्प्ले करवा देते हैं, और उसके बाद यहाँ पर एंडल। तो इस तरीके से ये हमारी क्लास कंप्लीट हुई। यहाँ पर एक यूज़र डिफाइन हमने फंक्शन भी बना दिया, और उसके बाद यहाँ पर डाटा मेंबर्स को भी कुछ ले लिया। आप मेन में जाएंगे और मेन में इसको कॉल करके देखेंगे, इंट मेन। और यहाँ पर मेन के बाद यहाँ से क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं, सम नाम की क्लास थी, तो सम के बाद एस, और यहाँ से एस डॉट अभी यहाँ पर।
तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो भी डाटा ऊपर डिफाइन हो चुका है उसमें कोई यूज़र चेंजिंग नहीं कर पाएगा। यहाँ पर मेन के अंदर उसको एक्सेस नहीं किया जा सकता, वो उस क्लास के अंदर ही हमारे पास रिस्ट्रिक्ट होकर रह गया। उस क्लास के अंदर अगर हम उसको यूज़ करना चाहें तो हम कर सकते हैं, आउटसाइड द क्लास उसका कोई भी मतलब नहीं बनता। तो यहाँ पर इसको अगर हम कॉल करेंगे, तो यहाँ से अभी इसको कॉल करके देखते हैं और उसके बाद यहाँ पर इसकी एक और एग्जाम्पल को भी देखेंगे। तो यहाँ से ये रन हो रहा है, ये रन हो गया। यहाँ पर वो दो नंबर कोई भी हमसे मांग रहा है, एक नंबर 12 दे देते हैं और सेकंड नंबर यहाँ पर उसको 56 दे देते हैं, तो उसका सम हमें उसने डिस्प्ले कर दिया। इसकी और एग्जाम्पल भी एक देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर कि आप देख रहे होंगे कि मेन में वो कोई भी चेंजिंग नहीं कर पा रहा है। या एम्प्लॉय की एक अगर हम यहाँ पर क्लास बनाएं, यहाँ पर इसकी एक और एग्जाम्पल को देखें, EMPLOY एम्प्लॉय की क्लास, तो यहाँ पर अगर हम सैलरी को ले लेते हैं इंट में, यहाँ से सैलरी को अगर हम इंट में ले लेते हैं तो सैलरी एक प्राइवेट थिंग है तो उसको कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर लेट्स सपोज अगर उसको यहाँ पर मैं डिफ़ाइन भी कर देता हूँ, यहाँ पर अगर मैं मेन के अंदर उसको डिफ़ाइन करना चाहूँगा तो वो डिफ़ाइन नहीं होगी। लेकिन अगर विद इन द क्लास अगर मैं मतलब उसी क्लास के अंदर अगर कुछ चेंजिंग करूँगा तो वो वहाँ पर हो जाएगी। तो इसको ख़त्म करते हैं, तो यहाँ से अब हो गया। तो यहाँ से सैलरी को मैं इक्वल कर देता हूँ इस फंक्शन के अंदर, यहाँ पर 5000 या कुछ भी, यहाँ पर सैलरी को मैंने डिफ़ाइन कर दिया। अब सैलरी एक प्राइवेट थिंग है, प्राइवेट थिंग यहाँ पर कोई और भी ऊपर हो सकती है जिसको मैं यहाँ से अगर एक्सेस नहीं देना चाहता तो मैं नहीं दे सकता और वो फिक्स्ड ही रहेगी। और ये सम एस बना लेते हैं और यहाँ से एस डॉट, तो यहाँ से ये जो हमारे पास फंक्शन होगा उसको तो हम एक्सेस कर पाएंगे ऐड नाम का या फिर किसी भी नाम का ये हो सकता है, लेकिन जो हमारे पास डाटा होगा उसको हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो एस डॉट यहाँ से ऐड, ऐड का फंक्शन होगा और अब इसको कॉल करते हैं। सम एस वाज नॉट क्लियर, अभी ठीक से वर्क कर रहा है तो अब इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो एस डॉट यहाँ से ये देखें कि आप इस फंक्शन को, तो अगर ये मैं सैलरी को यहाँ पर डिफ़ाइन ना कर देता और यहाँ पर अगर मैं इसको डिफ़ाइन कर देता, यहाँ पर अगर मैं लेट्स सपोज इसको सैलरी को अगर यहाँ पर मैं 5000 कर देता और यहाँ पर मैं सी आउट सिर्फ सैलरी के, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं करता और इसको लेट्स सपोज अगर मैं कॉल कर देता तो कंपाइल तो हो जाता है इसका, मतलब कंपाइल तो ठीक होगा। यहाँ पर एक फंक्शन भी मैंने बना दिया और यहाँ पर आप देख रहे हैं कोई आउटपुट भी नहीं आई क्योंकि वो फंक्शन हमारे पास सैलरी जो था वो हमारे पास एक प्रोटेक्टेड चीज़ है, उसको कोई भी चीज़ एक्सेस नहीं कर सकती। अगर यहाँ से मैं इस पॉइंटर के थ्रू अगर एस डॉट सैलरी करना चाहूँगा तो वो मैं उसको एक्सेस नहीं कर पाऊँगा। तो इनकैप्सुलेशन के थ्रू बेसिकली होता भी हमारे पास ये है कि जो डाटा, मतलब यहाँ पर अभी तो मैंने एक सैलरी ही ली थी ना, यहाँ पर मैक्सिमम डाटा हो सकता है और जो डाटा हम यूज़र को दिखाना चाह रहे हैं उसको हम फंक्शंस के थ्रू एक्सेस कर पाएंगे और जो डाटा हम हाइड करना चाह रहे हैं यूज़र से कि उसको वो ना दिखे उसको हम एक्सेस नहीं देंगे और वो मेन में हमारे पास एक्सेस नहीं हो पाएगा। यहाँ पर इस फंक्शन के थ्रू सिर्फ वही डाटा हमारे पास यूज़ हो पाएगा जो यहाँ पर हम डिफ़ाइन करेंगे इस, और ये आउटसाइड द क्लास सैलरी हमारे पास कोई चीज़ भी नहीं रहेगी।